अमन जी, विधानसभा का सेशन शुरू हो गया है, क्या आपने बढ़ाया कार्यकाल, सारा बताइए एक बार। देखिए, आज बीएसई, हमने कल ही बोला था कि कार्यकाल बढ़ाना ये बीएसई का और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का और स्पीकर का प्रेरोगेटिव होता है। आज ऑपोजिशन के हमारे साथियों ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, प्रताप बाजवा जी ने एक ही आके बात कही कि सेशन बढ़ाया जाना चाहिए। हमने पूछा कितने दिन का चाहिए, कहते जी कम से कम 3 दिन का। हमने उनके आग्रह पे 4 दिन का कर दिया, मंडे तक यानी कि 3 तारीख तक सेशन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि जितने पंजाब के लोगों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आप बेशक उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन करने के लिए, ड्रामा करने के लिए विरोध ना करें। अच्छा, ऑपरेशन लोटस को लेकर क्या अभी भी आप विश्वास सदन में चर्चा करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि जिन लोगों ने, पंजाब की 3 करोड़ जनता ने हमें ब्रूट मेजोरिटी देके विधानसभा में भेजा है, हम उनको ये विश्वास दिलाएं कि उनकी चुनी हुई सरकार मजबूत है, उनकी चुनी हुई सरकार को खतरा कोई नहीं है। चाहे बीजेपी और केंद्र सरकार कांग्रेस के जरिए जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, लोकतंत्र पंजाब में मजबूत है और हमेशा रहेगा। इसके लिए विश्वास मत जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी लेके आएंगे। अच्छा, बीजेपी मॉक सेशन लगा रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है बाहर बैठकर जो है सदन चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जब पंजाब के लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अंदर से निकाल के बाहर बिठा दिया तो उनको मुबारकबाद, बाहर बैठ के मॉक सेशन चलाएंगे।